हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत है और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पीएम किसान का पंजीकरण नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था मोबाइल नंबर से कि आप मोबाइल नंबर से पंजीकरण संख्या कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बताऊँगा आधार नंबर से। ठीक है, मुझे लगा कि अगर किसी के पास मोबाइल नंबर भी नहीं है तो आप आधार नंबर से वो निकाल सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ कि आधार नंबर से आप पंजीकरण संख्या कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको जाना होगा क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर लिखने के बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करते जाते आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यहीं पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इसको कट करना है। ठीक है, प्रोसीड टू होम पेज। ठीक है, मतलब होम पेज में आपको चले जाना है। होम पेज में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पंजीकरण, यहीं पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा पावती प्रिंट करें, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पंजीकरण पावती आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके आपको टिक करना है, इसके ऊपर आप मैं टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद चयन करें, तो आपके पास अभी तो पंजीकरण संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आधार संख्या से बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको आधार संख्या चूज़ करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर लेना है। ठीक है, मैं इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शो रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है। देखिए, आपका पंजीकरण संख्या नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रिंट कर सकते हैं। नीचे लिखा है प्रिंट, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर मोबाइल पे सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, बाद में इसको दुकान पे जाके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक पेज और यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है सेव, यहीं पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी में या फिर फ़ोन के स्टोरेज में सेव हो जाएगा ये। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आधार नंबर से एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, पीएम किसान का एप्लीकेशन नंबर कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।